नमस्कार सभी क्रिकेट प्रेमियों को। जैसा कि हमने आज आईपीएल में देखा, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में मैच खेला गया, जिसमें कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम ने टॉस जीता था, दिल्ली को बल्लेबाजी के लिए पहले आमंत्रित किया। दिल्ली के ओपनर शिखर धवन और पृथ्वी शाह ने पहले 6 ओवरों में 60 रन की पार्टनरशिप करके दिल्ली को एक बहुत अच्छी शुरुआत दी। नतीजा ये हुआ कि बाद में स्टाइनिस और ऋषभ पंत की 89 रनों की पार्टनरशिप की बदौलत दिल्ली 196 रन का टारगेट सेट करने में सफल रहा। जब बेंगलुरु की टीम टारगेट का पीछा करने के लिए उतरी तो ऐसा लग रहा था पर्लिकल, फिंच, डिविलियर्स और कोहली ये चारों मिलकर लक्ष्य का पीछा आसानी से कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और अंततः बेंगलुरु 59 रन से पराजित हो गया। यदि हम मैच की बात करें, मैच की समीक्षा करें, बेंगलुरु की हार और दिल्ली की जीत के कारण क्या थे, तो सबसे पहला कारण मैं कहूँगा कि श्रेयस अय्यर, जब दिल्ली बैटिंग कर रही थी, श्रेयस अय्यर जब आउट हुए थे तो बेंगलुरु के पास में कप्तान विराट कोहली के पास में मैच में कमबैक करने का, दिल्ली पर प्रेशर बनाने का एक मौका था, लेकिन वहाँ बेंगलुरु प्रेशर नहीं बना सका और नतीजा ये हुआ स्टाइनिस और ऋषभ पंत ने 89 रनों की पार्टनरशिप करके दिल्ली को 196 रनों तक पहुंचा दिया। जब बेंगलुरु की टीम बैटिंग करने के लिए उतरी तो मैच का जो दूसरा कारण था बेंगलुरु की हार का, वो था एरोन फिंच का पहले ओवर में कैच छूटना, उसके बाद दूसरे ओवर में फिर कैच छूटना। लेकिन इन दो बार जीवनदान मिलने के बाद भी एरोन फिंच फायदा नहीं उठा पाए और आउट होकर पवेलियन चले गए, जिसके कारण बेंगलुरु शुरुआत में ही प्रेशर में आ गया। बेंगलुरु की हार का या दिल्ली की जीत का तीसरा कारण था पर्लिकल, जो कि इस टूर्नामेंट में 350 लगा चुके हैं, उनका आउट होना। चौथा कारण था, जिसे मैं कहूँगा कि जो कि मैच का टर्निंग पॉइंट था, मिस्टर 360 डिग्री मतलब डिविलियर्स का आउट होना। पारी के 6वें ओवर में डिविलियर्स आउट होकर पवेलियन में चले गए, जिससे कि मैच पूरा दिल्ली की तरफ झुक गया। वहां पर कप्तान विराट कोहली के ऊपर भी प्रेशर आ गया और 12वें ओवर तक विराट कोहली 33 गेंदें खेल चुके थे, लेकिन उस पर केवल 32 रन ही बना पाए थे। इसके बाद में जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, दिल्ली के गेंदबाज रवाडा ने अपनी घातक गेंदबाजी से 4 विकेट हासिल किए, केवल 24 रन उन्होंने खर्च किए और नतीजा अंततः बेंगलुरु को पराजय के रूप में 59 रनों से पराजय झेलनी पड़ी। आज श्रेयस अय्यर की तारीफ करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी बॉलिंग चेंज किए, बेंगलुरु के बैट्समैन को सेट होने का मौका नहीं दिया, नतीजा उन्हें नियमित अंतराल पर विकेट मिलते रहे। आज के मैच में जेंटलमैन गेम क्रिकेट की दो अच्छी चीज़ें देखने को मिली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला, जब तीसरे ओवर में अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे, एरोन फिंच नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर कीच से बॉल फेंकने के पहले आगे निकल गए थे, लेकिन अश्विन ने उन्हें आउट नहीं किया, अश्विन ने उन्हें चेतावनी दी। यह क्रिकेट की खेल भावना को या क्रिकेट को जेंटलमैन बनाने का, क्योंकि जेंटलमैन गेम क्यों कहते हैं क्रिकेट को, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था। 14वें ओवर में जब विराट कोहली आउट हुए थे तो विराट कोहली का ऋषभ पंत ने कैच पकड़ा था, विराट कोहली ने पलटकर अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की, वे आउट थे और खुद ही पवेलियन की तरफ चल दिए। ये एक अच्छे खिलाड़ी की खेल भावना है और निश्चित रूप से यह क्रिकेट की खूबसूरती को दर्शाता है। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ऐसी ही खेल भावना हमें और देखने को मिलेगी, अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी और रोमांचक मैच इस आईपीएल में हमें और देखने को मिलते रहेंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।